जो आशंका उत्तर प्रदेश के बारे में व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव का जब पीक आएगा तो लगभग 15 दिन का एक उसका पीरियड होता है, तो इस 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश में 1,00,000 केस पर डे आएंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और टीम वर्क का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे वह थे 38,000। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की कम थी और रिकवरी प्रदेश की कम थी, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, तब प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 तक पहुंची थी। आज प्रदेश के अंदर कुल 94,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 21 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश में 2,16,000 एक्टिव केस को पूरी तरह रिकवर करते हुए वे लोग अपने घरों को गए हैं। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 2.4 के आसपास है और रिकवरी 93% से अधिक है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में ऑक्सीजन और कुछ अन्य जीवन रक्षक दवाओं की भी तमाम चैलेंज हम सबके सामने आई थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को कि भारत सरकार ने हमें रेल उपलब्ध कराई और हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक सिटी के अंदर करवाई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहयोग लिया। ऑक्सीजन आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर के फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हमें ट्रेन से या प्लेन से ऑक्सीजन मंगवानी पड़े। हर जनपद को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ और कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम लोग लगाने जा रहे हैं। जब पीक पे सेकेंड वेव थी, कुछ लोगों ने उस समय मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया और खासतौर पर कुछ जीवन रक्षक दवाओं का कालाबाजारी करने का प्रयास किया। इस मामले में सरकार ने सख्ती की, कुछ लोगों पर हम लोगों ने उनके गिरफ्तारी करने के साथ साथ NSA की कार्रवाई भी उन पर की गई है। आगे भी कोई भी कालाबाजारी होगा जो किसी का शोषण करेगा उसके खिलाफ इतनी सख्ती के साथ सरकार निपटेगी और उस पर बहुत सख्ती करेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे तत्वों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी सरकार करेगी। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते, वहां पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहां पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहां पर उनको वही गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है, हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहां के जनप्रतिनिधियों ने यह बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए एक आदेश किया है और हम लोग उसी दिशा में आगे प्रयास करने की बात कर रहे हैं। अभी भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को हम पालन करें, पब्लिक फंक्शन में भी भीड़ ना होने दें, 25 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हो। एक एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी तरह लॉकडाउन नहीं, कोरोना कर्फ्यू होगा, लेकिन हम कोरोना के नियमों का और प्रोटोकॉल का पालन करें, इस पर एक कार्रवाई। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कानपुर के अपने जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने यहाँ के प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन किया। एक समय कानपुर की जो पॉजिटिविटी थी वो 40% तक पहुंच गई थी, आज वह 2 से नीचे आ गई है। यह है कार्य करने का जज्बा।
पूरी तरह एक ऐसे दृश्य शत्रु से भिड़े, और उसी का परिणाम है कि आज इस मंडल में 40 यानी 30 नए ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं, कानपुर नगर में भी और अन्य जनपदों में भी मिलकर के। इस कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों में जागरूकता पैदा करके एक सकारात्मक माहौल पैदा कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हम सब मिलकर के कार्य कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।